Good morning, namaste everyone. Myself, Utkarsh Narola, from the young leadership of SRK family, and proud to say that fourth generation of the diamond business started by my grandfather in 1964. Today, disruptive technologies and innovations are critical in today's era. We have seen a lot of innovations in the field of solar, hydro, and we have started seeing a lot of electric vehicles on road as well. These innovations are key and essential for improving our life and for the coming generation. All the major brands, our clients in Europe and America, are looking for sustainable partners and suppliers. Today, we at SRK are totally committed towards net zero by 2024. Both our buildings are platinum LEED certified. We have solarized more than 2,000 rooftops. And importantly, we have started educating our employees on sustainability as well. To speak on this further, let me introduce to you, and it's my pleasure to introduce our renowned speaker from IIT Gandhinagar, Professor Rajat Poona. We have a short video about him. Professor Poona is known for his contributions to high-performance computing and language technologies and for leading national-level initiatives. His acumen and professional accomplishments has bestowed upon him numerous awards. Please welcome Professor Rajat Poona, Director, IIT Gandhinagar. Good morning, and let me first of all take this opportunity to thank SRK International for organizing a very, very contemporary conclave in the area of sustainability. Sustainability is a problem that we all are facing, and I want to actually take this opportunity to talk about few things, and I think I will also switch over to Hindi, hamari khud ki matrabhasha. So, ek baar main apne kisi dost ke saath baitha hua tha aur ye baat chal rahi thi ki global warming ho rahi hai. और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उससे सी लेवल राइज हो रहा है और शायद लैंड मास कुछ कम हो जाएगा. तो मैंने उससे सबसे पहले ये क्वेश्चन किया. साइंटिफिक फिजिक्स में मैंने हमेशा सुना है कि अगर आप पानी में बर्फ़ डाल दो तो बर्फ़ तैरती है, और बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी का लेवल सेम रहता है. गिलास में पानी गिलास से कभी छलकता नहीं है. तो समुद्र में जो हमारे आइस वर्क्स जो तैर रहे हैं, अगर वो पिघल भी जाएंगे तो क्या होगा? क्यों समुद्र का लेवल बढ़ेगा? एंड एक्चुअली ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि हम क्यों ऐसी बातें करते हैं कि समुद्र का लेवल. हाँ, ग्लोबल वार्मिंग होगी, मुझे समझ में आता है, टेम्परेचर बढ़ेंगे, समझ में आता है, लेकिन समुद्र का लेवल क्यों बढ़ेगा? और उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वो हमारे जो दोस्त थे वो अर्थ साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई और मैं उसको आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा. सबसे पहली चीज कि समुद्र के जो लेवल हैं वो समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग के पिघलने से नहीं बढ़ रहे. तो कम से कम मेरा ये जमीर था, मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरा शांत हुआ. तो समुद्र के लेवल बढ़ क्यों रहे हैं? पूरे लैंड पे इतना आइस मास है, और जब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलता है तो वो सारा का सारा पानी लैंड से समुद्र में जाता है. फिर भी मेरा मन नहीं माना. मैंने कहा समुद्र तो बहुत बड़ा है और लैंड तो छोटी सी है, कितना भी पानी पिघला देंगे आप तो बहुत ज़्यादा, तो टेम्परेचर कितना भी बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा तो लेवल फिर भी नहीं बढ़ेगा. तो दूसरी चीज़ उसने ये बताई कि आप जो समुद्र का जो समुद्र पे जो आइसबर्ग्स देख रहे हैं वो केवल 1/10 ऊपर दिखाई दे रहे हैं. 9 times व्हाट इज विजिबल इज अंडर दैट, अंडर द सी. सो इट इज नॉट फ्लोटिंग, इट इज एक्चुअली रेस्टिंग ऑन द सरफेस. और जब वो पिघलेगा तो वो चारों तरफ फैलेगा, वो समुद्र का जो पानी का मास है वो बढ़ेगा क्योंकि ये आइस बहुत ज्यादा है. शायद मुझे समझ में आया. लेकिन उसके बाद मुझे उसने एक बहुत और भी अच्छी चीज कही.
बोले ये जो समुद्र का जो पानी बढ़ेगा वो तो ठीक है, शायद लैंडमास कम होगा, लेकिन इसके साथ ही हमारी पूरी प्लैनेट की इवोल्यूशन की हिस्ट्री जो इसमें रिकॉर्डेड है वो खत्म हो जाएगी। और वो क्या है कि हर साल वहां पे पानी गिरता है, हर साल वहां पे बर्फ गिरती है, हर साल वहां पे बर्फ की एक लेयर बनती है, और उसके बाद हर साल उसके ऊपर यह धूल की लेयर बनती है, फिर उसके बाद बर्फ की लेयर बनती है, फिर धूल की लेयर बनती है, बर्फ की लेयर, धूल की लेयर, बर्फ की लेयर, धूल की लेयर। और अगर हम इसको खोदें और इसका कोर निकालें तो हमें यह मालूम पड़ता है कि किस साल बर्फ ज्यादा गिरी और किस साल जो है बर्फ कम गिरी। हमारा प्लैनेट का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ वो हमें मालूम पड़ता है। और जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो शायद हमारी ये नॉलेज कि इस प्लैनेट का इवोल्यूशन किस तरह हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। इस बर्फ में बहुत हिस्ट्री दबी हुई है, चाहे वो मानवता की हो, चाहे वो विलुप्त हुए उन प्राणियों की हो, चाहे उन डायनासोर्स की हो, चाहे वो लावा की हो, इस बर्फ में हमारी बहुत प्लैनेट के इवोल्यूशन की हिस्ट्री छिपी हुई है जो सब खत्म हो जाएगी। और ये बात मुझे समझ में आई। अब उसके बाद मैंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, और इसलिए अब मुझे समझ में आता है कि जो ओजोन लेयर का जो होल की बात करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और साइंटिफिकली अब हमें दिखता है कि ओजोन की लेयर का होल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो शायद हम कुछ सही स्टेप्स कर रहे हैं ओवर फ्यू ईयर्स, लेकिन ओवर सेवरल सेंचुरीज जो हमने गलती की हैं, कई सौ साल की जो गलतियां की हैं, उसे शायद हम 10 साल में, 5 साल में, 7 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते। हमारा ये प्रयास कि 2024 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, ये उसमें एक पहल है, लेकिन हमें नेट जीरो नहीं होना है, हमें नेट पॉजिटिव होना है, हमें कार्बन को कम करना है जो हमारे कई सौ सालों से निकला हुआ है, और ये एक हमारी महत्वपूर्ण जरूरत है। तो ओजोन के लेयर के होल की और ग्लोबल वार्मिंग की बात मुझे कुछ कुछ समझ में आई। अब मैंने थोड़ा उसके बारे में ज्यादा सोचा। 1950 से आज हम 2023 जैसे 2025 75 साल में हम जब बैठे हैं तो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 गुना हो गई है, भारत की खुद की पॉपुलेशन 4 गुना हो गई है, 4 times इंक्रीज। और एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी पीने के लिए, रहने के लिए घर, घर के लिए जमीन, जमीन के लिए गांव, गांव के लिए शहर, और खाने के लिए सब्जी बनाने के लिए, सब्जी लगाने के लिए खेतीबाड़ी, और खेतीबाड़ी के लिए जगह। क्या हुआ? हमारे पास इस प्लैनेट पे पानी लिमिटेड है, जितना है उतना मिला हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें भी ज्यादातर पानी हमारा पीने योग्य नहीं है। जो पीने योग्य मीठा पानी है जो बरसात के जरिए, नदियों के जरिए हमें मिलता है, वही हमारे पास एकमात्र रिसोर्स है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। और पॉपुलेशन की इंक्रीज ने इस पानी पे, इस जमीन पे, इस रिसोर्सेज पे प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है। अब ये हमारा पानी हमें और नहीं मिल सकता, पानी इतना ही है, लेकिन हमें उसी पानी को यूज करके सारा सीवेज भी भगाना है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सरफेस के सारे पानी के रिसोर्सेस को पॉल्यूट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि हमारी कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी, वाटर रिचार्ज की योजना लेके आई। और क्या है वो योजना? बोले अगर आप जो है वो पानी जमीन के अंदर रिचार्ज करें। कैसे रिचार्ज करें? रिचार्जिंग का समय प्रकृति ने आपको दिया है जो कि करीब 10 साल में जमीन के अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जेस होते हैं। लेकिन नहीं, हमने कहा वो नहीं, आप ड्रिल कीजिए, जिस ड्रिल से पानी नहीं निकला उस ड्रिल में पानी वापस डाल दिए, थोड़ा सफाई कर दीजिए ऊपर। हमारे पास
एकमात्र रिसोर्स बचा है अंडरग्राउंड वाटर जो कि अनपॉल्यूटेड है। हम उस रिसोर्स को भी पॉल्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जनरेशन नहीं आने वाली जनरेशन का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। ये चीजें हमको जो सोचनी पड़ेंगी कि हम ये किस तरह से आगे बढ़ें जिससे प्रगति भी हो, प्रगति भी हो और आने वाली जनता, आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़े। कुछ स्टडीज हैं पॉपुलेशन डायनामिक की जो कहती हैं कि शायद अराउंड दिस टाइम वी आर रीचिंग टू द पीक ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन विल स्टार्ट कमिंग डाउन इन नेक्स्ट 20-20 ईयर्स। इट विल बी फ्यूल्ड हेविली बाई इंडिया एंड चाइना बिकॉज दे आर द मोस्ट पॉपुलस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और जब इनकी पॉपुलेशन कम होगी तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी कम होगी, और जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ी जैसे कि हमारी 4 गुना बढ़ी तो शायद वर्ल्ड की 3 गुना बढ़ी। तो फ्यूलिंग भी हम पॉपुलेशन की इंडिया और चाइना से होती है और रिडक्शन भी इंडिया और चाइना की ही पॉपुलेशन से होगा जैसा कि माना जाता है। और अराउंड 2025 दैट्स रफली वेयर वी आर राइट नाउ, वी आर लाइकली टू रीच द पीक ऑफ पॉपुलेशन एंड उसके नेक्स्ट 20-25 साल में पॉपुलेशन का शायद कम होना शुरू होगा। इस प्लेनेट पे ह्यूमन हिस्ट्री में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ टोटल ह्यूमन बीइंग्स एवर बॉर्न इन दिस प्लेनेट आर लिविंग टुडे। दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। और हमने रिसोर्सेज की कभी परवाह नहीं की, हम सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज रिसोर्सेज को यूज करते रहे एग्रीकल्चर के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, और यह मानव की जरूरत थी। शायद आज हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे ग्रीन करें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इमीडिएटली कम्स इज हाउ ग्रीन इज ग्रीन। हम बात करते हैं कि हम ईवीज लगाएंगे वो ग्रीनर सॉल्यूशंस हैं, हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल खराब हैं, हम बात करते हैं कि हमारे अंडरग्राउंड जितने नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हम उसको डिप्लीट कर रहे हैं। पर शायद ये स्टडी बहुत कम लोग करते हैं जिसमें ये देखते हैं कि इज ईवी अ ग्रीन एनर्जी। सो रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी इज नेवर अ सॉल्यूशन। Solution was given by Ajay ji when he said recycle, but I will actually go few more steps back, and the first step is to reduce. Reduce is the most important thing, and I'm very happy in this particular hall, हमारे यहाँ पानी की बॉटल प्लास्टिक की नहीं है। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा अच्छा होता कि हम अपनी ग्लास की बॉटल की भी रिक्वायरमेंट कम करते, क्योंकि रिड्यूस इज द मंत्रा ऑफ फ्यूचर जनरेशन। रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस। अगर अजय जी ने बोला था कि आप पान खाने जाते हैं स्कूटर से ना जाएं, कार से ना जाएं, हां रिड्यूस राइट। हमें अपने वार्डरोब में 50 कपड़े रखने की जरूरत नहीं है अगर हमारा काम 5 कपड़ों चल जाता है, हां रिड्यूस, क्योंकि हर एक शर्ट जो मैं पहनता हूं उसमें या तो कॉटन है विच एक्चुअली कॉजेस क्वाइट अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और या फिर सिंथेटिक है विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज विच अगेन कॉजेस अ कार्बन फुटप्रिंट। तो अगर हम 10 शर्ट की जगह 2 शर्ट रखें, 50 शर्ट की जगह 5 शर्ट रखें, रिड्यूस, एंड दैट रिडक्शन विल रिजल्ट इन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। हमें जरूरत नहीं है, अगर हमारा हमारी आज की रिक्वायरमेंट है मल्टी स्टोरी बनाने की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लगाने की, हम शायद नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लगाएं, इस तरह से लगाएं कि शायद हम उसको रीयूज कर सके पुराने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को। तो रीयूज इज द नेक्स्ट मंत्रा। हमारी तो सभ्यता में ही था, हम शुरू से ही देखते थे
कि हमारे जो पिताजी थे उनकी पैंट पहनते थे जब वो, और जब उनकी पैंट पुरानी हो जाती थी उसकी पैंट काट के हमारी माताजी उसका थैला बना देती थी और उसमें वो सब्जी लेने जाते थे, और जब वो सब्जी उसके बाद आती थी और वो थैला उसके बाद भी फट जाता था तो उसके बाद घर का पोंछा लगाया जाता था, और जब घर का पोंछा लगाते लगाते खत्म हो जाता था तो उसमें आग लगा के रोशनी की जाती थी लालटेन में। तो ये तो हमारी इस सभ्यता में ही था, रीयूज रीयूज रीयूज। और जब हम रिड्यूस के बाद अगर हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो हमारा नेक्स्ट पर्पस होना चाहिए रीयूज, एंड ओनली आफ्टर रीयूज इज नॉट पॉसिबल वी मस्ट लुक फॉर रीसाइकल। रीसाइकल कम्स इन माई स्टेज ऑफ थिंकिंग मच लेटर, एंड आई थिंक दिस इज बेसिकली वॉट वी नीड टू डू फॉर डूइंग कार्बन फुटप्रिंट। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू से, आवर पॉपुलेशन इज 140 करोड़, नॉट अ स्मॉल पॉपुलेशन। इट इज आवर वीकनेस मेनी टाइम्स पीपल से, बट आई काउंट इट एज ए स्ट्रेंथ ऑफ आवर्स, क्योंकि अगर 140 करोड़ लोग 6 महीने में एक पेड़ लगाएं और इंश्योर करें कि वो पेड़ जिंदा रहे, तो हम एक साल में 280 करोड़ पेड़ लगा सकते हैं। एक आदमी को 6 महीने में केवल एक पेड़ लगाना है और इंश्योर करना है कि वो जिंदा रहे, छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप उस पेड़ को लगाएं, इंश्योर करें कि उसको कीड़े वीड़े नहीं खा रहे, इंश्योर करें कि उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में लग रहा है और वो पेड़ जिंदा रह रहा है। केवल 2 साल आपको ये मेहनत करनी है, 2 साल के बाद वो पेड़ अपने आप जिंदा रहेगा और आपको जिंदगी देगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।